मोदी है पॉपुलर, यहाँ काफी पॉपुलर है। अगर आप लीडर का हम लोग सर्वे कर रहे हैं तो मोदी और ममता आर इक्वली पॉपुलर, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मोदी इज वेरी पॉपुलर यहाँ पे। मोदी पॉपुलर इसलिए भी है, आप देखिए बंगाल ने बीजेपी का स्वाद अभी चखा नहीं है, तो वो एक फैक्टर। पहले तो एक बात है कि मोदी का एक कल्ट है जो कि बन गया है पूरे देश में, जो कि द डिग्री कुड वेरी, लेकिन 10%, 15%, 20%, 25% ऐसे लोग हैं जिसको मोदी में भगवान दिखता है, चाहे सही दिखे गलत दिखे वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है। स्पेशली जो यहाँ हिंदी भाषी है वो मोदी का सपोर्ट का कोर बेस है, कोर है। प्लस जो एंटी इनकम्बेंसी वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ है, सेंटर के खिलाफ है नहीं। नमस्कार, मैं देवनाथ पांडे। ये वो ऑडियो है जो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर हाहाकार मचा दिया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने यह दावा किया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी की जीत अब पश्चिम बंगाल में स्वीकार कर ली है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर क्लब हाउस प्लेटफॉर्म पर हुए प्रशांत किशोर के डिस्कशन का ऑडियो शेयर किया है। इसमें प्रशांत कुछ बड़े पत्रकारों को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इसके जवाब में कहा है कि बीजेपी ने अपने सुविधा के मुताबिक अधूरा ऑडियो क्लिप वायरल किया है। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि अमित मालवीय क्लब हाउस का पूरा डिस्कशन शेयर करें, इससे साफ हो जाएगा कि आखिर सच क्या है। ऑडियो में प्रशांत ये कह रहे हैं कि क्लब हाउस की एक सार्वजनिक चैट पर प्रशांत किशोर ने ये माना है कि टीएमसी के आंतरिक सर्वे में बीजेपी जीत रही है, लोग मोदी को वोट कर रहे हैं और ध्रुवीकरण तो हुआ है। बंगाल की आबादी के 27% एससी और मतुआ सभी बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं। मालवीय ने जो ऑडियो शेयर किया है उसमें प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि वाम दलों, कांग्रेस और टीएमसी ने हालात के हिसाब से पिछले 20 सालों में मुस्लिम तुष्टिकरण किया है और इस वजह से ग्राउंड पर आक्रोश बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अमित मालवीय ने दावा किया है कि किसी को इस बात का जरा सा एहसास नहीं था कि उनकी चैट सार्वजनिक हो रही है। इस ऑडियो में प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि मोदी बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि पूरे देश में लोग उनकी बात सुन रहे हैं। तृणमूल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वोटों का ध्रुवीकरण भी सच्चाई है, एससी वोट भी एक फैक्टर है, बीजेपी के पास जमीनी कैडर है। ऑडियो में जब तृणमूल कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकार को इस बात का एहसास हुआ कि क्लब हाउस का रूम जो है वो ओपन था और उनकी बातों को सिर्फ कुछ पत्रकार ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में भी लोग सुन रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या ये ओपन है। ऑडियो लीक हो जाने के बाद बीजेपी नेता राजीव बनर्जी ने कहा कि प्रशांत किशोर की रणनीति पश्चिम बंगाल में काम नहीं करेगी, उनकी रणनीति विफल रही, टीएमसी यहां पर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, बंगाल में केवल मोदी 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 रहेंगे और उनकी रणनीति काम करेगी। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि मोदी बेस्ट है और उनके अगुवाई में सोनार बंगला बनाया जाएगा, वे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो टीएमसी से जुड़े हैं। प्रशांत ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है, उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि बीजेपी के लोग अपने नेताओं के बयान से ज़्यादा मेरी क्लब हाउस चैट को बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि चैट के कुछ हिस्से को छोड़कर पूरी बातचीत को जारी करें, जो हिस्सा जारी किया गया है उसमें इस सवाल का जवाब दिया जा रहा था कि कैसे बीजेपी को 40% वोट मिल रहे हैं और कैसे ये सोच बन गई कि बीजेपी जीत रही है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये भी कहा कि बीजेपी बंगाल चुनाव में 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। बहरहाल अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है उसमें प्रशांत किशोर का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ तौर से तो यही लग रहा है कि प्रशांत किशोर भी अभी मान चुके हैं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश में जिस तरह से मोदी का नाम है और मोदी लहर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी और उसकी सबसे बड़ी वजह वो यही बता रहे हैं कि बंगाल अभी बीजेपी का स्वाद नहीं चखी है। ये अलग बात है, बीजेपी भी बंगाल का स्वाद नहीं चखी है, लेकिन प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बंगाल बीजेपी का स्वाद नहीं चखी है। सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो हिंदी भाषी के लोग हैं वहाँ पे वो मोदी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा, जो टीएमसी ने सर्वे कराया है उस सर्वे के हिसाब से भी
पश्चिम बंगाल में बीजेपी जीत रही है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि मोदी को वहां पर लोग भगवान की तरह मान रहे हैं। प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं कि मोदी चाहे अच्छा करें, बुरा करें या कुछ भी करें, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोग मोदी को भगवान की तरह देख रहे हैं। अब ये तो अलग बात है, प्रशांत किशोर का ये वीडियो जो वायरल हुआ है, जो ऑडियो वायरल हुआ है, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, इस ऑडियो क्लिप में कितनी सच्चाई है ये तो खैर अभी जांच का विषय है, क्योंकि कोई भी प्रतिक्रिया अभी आई उससे पहले प्रशांत किशोर ने यह कह दिया कि जो मेरी बातचीत का ऑडियो क्लिप है वो पूरा जारी किया जाए। जो मैंने कहा है कि 40% अगर बीजेपी आ रही है तो उसके बाद का जो मैंने शब्द कहा था कि कैसे आ रही है, ये इसके बारे में भी मैंने बताया था। और बीजेपी के जो आईटी सेल के हेड अमित मालवीय हैं वो मेरी पूरी चैट का ऑडियो क्लिप वायरल करें क्लब हाउस का। खैर ये देखना अहम होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में, पश्चिम बंगाल की ज़मीन पर क्या कमल खिल पाएगा। अभी भी पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान लगातार देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी की अगर बात करें तो ममता बनर्जी का जो घटता वजूद पश्चिम बंगाल में इस बार यानी कि 2021 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, वो अपने आप में एक इतिहास ही बन रहा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस बार देखने को मिला ममता बनर्जी ने चुनाव जीतने के लिए चुनावी रैलियों में जितना हो सका प्रशांत किशोर की रणनीति के हिसाब से वो काम करती रहीं और ये सब कुछ उनके विपरीत जाता रहा। चाहे वो शंख बजाना हुआ, चाहे वो स्कूटी चलाना हुआ, चाहे वो फर्जी तरीके से अपने पैर को तुड़वा कर नीचे से पैर हिलाती हुई दिखाई दी थी। खैर अब देखना है होगा कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो किसके फेवर में आएंगे। क्या प्रशांत किशोर जिस तरह से ये कह रहे हैं, प्रशांत किशोर के इन बातों में सच्चाई कितनी है, अमित मालवीय के इन बातों में, इन दावों में सच्चाई कितनी है, या फिर प्रशांत किशोर जब यू टर्न मारते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी 100 से ज़्यादा सीट नहीं ला पाएगी, तो ये सब नतीजा जब आएगा जिस दिन, उस दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या पश्चिम बंगाल की जनता मोदी को भगवान मानती है, मोदी को वहाँ का बीजेपी को वहाँ की सरकार, बीजेपी को वहाँ की सरकार बनाना चाहती है, ये सब कुछ निर्धारित होने में महज कुछ ही दिन बचे हुए हैं। खैर आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ और इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर साझा कीजिएगा। शुक्रिया।